अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लावर मेकिंग की एक वीडियो दिखा रही हूँ, हम मेहंदी से किस तरह से फ्लावर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एक बेस बनानी पड़ती है, एक बेस पेटल। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे से गुलाई वाली, ऊपर से दो कट्स वाली मैंने पेटल बनाई है और इसी की साइड बाउंड्रीज पेटल्स बनाई हैं जो कि कर्व शेप में हैं। अब ऊपर से इसे हम इस तरह से कर्व इसका बनाएंगे पेटल्स का ही, जिसकी वजह से ये एक सेंटर बर्ड बन जाएगी। सेंटर बर्ड बनाना ज़रूरी होता है, उसके बाद साइड की पेटल्स बनाई जाती हैं। अब ये सेंटर बर्ड को आप देखें, मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, ये थोड़ा सर्कुलर और गोल शेप का बन जाए। ये देखें, नीचे की इसकी एक मैंने नुमाया पेटल बनाई है और साइड्स में इसको कवर अप करूँगी मैं कुछ डिफरेंट पेटल्स बना के इसी स्टाइल में। ये देखें, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी मेरी इस वीडियो की। ताकि आपको फ्लावर बनाने आ जाए, मैं इसलिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। अब देखिए, ये जो इसकी मैं पेटल बना रही हूँ, टू साइड से मैं इसको अंदर की तरफ थोड़ा कर्व कर रही हूँ, देखें इस तरह से। उसके बाद दोनों पेटल्स को मिला देती हूँ, तो ये एक हर्ट शेप की बना के एक थर्ड इसमें कट लगाना है, तो उससे ये पेटल बहुत खूबसूरत और प्यारी और यूनिक बन जाएगी। अब देखिए, हमारा जो शेप है फ्लावर की ऑलमोस्ट रेडी है। हम जो अंदर की साइड की हमने बड बनाई है उसे फिलअप कर लेंगे, डॉट्स की मदद से थोड़ा सा फिलअप करेंगे सेंटर पीस को, और बाकी को हम इसकी फिलिंग करेंगे स्ट्रेट वे में। स्ट्रेट वे में फिलिंग की मैंने आपको मेथड अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है किस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं उसी मेथड से कर रही हूँ। स्ट्रोक्स एक ही लेयर में लगाने हैं। एक ही लेयर से मुराद ये है जिस रुख में आपकी पेटल है नीचे से ऊपर की तरफ, उस रुख में आपको फिलिंग करनी है। मैं साइड बाउंड्रीज जो पेटल की हैं उसको डार्क किया है मैंने, और ये देखें फिलिंग मैं इसी तरह से कर रही हूँ। जिस रुख की पेटल बाहर की तरफ है उसी रुख में मैंने उसकी फिलिंग करनी है, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी, और मैंने बीच में कहीं गैप नहीं छोड़ना। गैप छोड़ने से ये होता है वो उतनी ग्रेसफुल पेटल और फ्लावर नहीं लगता। देखें, मैंने छोटे बड़े कप्स या स्ट्रोक्स लगाने के बाद इस तरह से फिलिंग की है। देखें, छोटे बड़े स्ट्रोक्स लगाने हैं आपने, कहीं आपको लगे तो आप थिक स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं, उससे आपकी फ्लावर जो है बहुत ही इन्हेंस्ड और प्यारा लगेगा। अब देखिए, मैं एक साइड में इस तरह से एक लीफलेट बनाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत सी मैंने लाइंस लगाई हैं दो, और यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स बनाऊंगी एक साइड पे और दूसरी साइड पे बिंदी स्टाइल में एक कंटिन्यूस लाइन बनाऊंगी। अब देखिए, ये लीफलेट्स तो बन गए हैं। अब यहाँ पे मैंने बिंदी को इस तरह से कंटिन्यूसली बनाया है, देखिए ऊपर से छोटी छोटी और नीचे आके थोड़ी बड़ी और मोटी बनाई है, ताकि इसकी एक सही अच्छी सी शेप बन जाए पेटल जैसी। अब साइड में मैंने थोड़े से लंबे लंबे लाइंस लगा के उनमें डॉट्स लगाए हैं, जिसे कुछ पेटल्स में फ्लावर्स में इस तरह की कुछ चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो की अगर कोई बात समझ ना आई हो, आपको स्टाइल समझ ना आया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूँगी। व्यूअर्स, अगर आपको लगवानी है, खानेवाल सिटी में मैं रहती हूँ, आप मुझसे आके लगवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0336618621। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।